कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप भी कम भीड़ भाड़ पसंद करते हैं तो ये बहुत बेहतर समय है जब जगन्नाथ मेला आप घूमने आ सकते हैं। 12 को भगवान अपने घर वापस लौटेंगे मुख्य मंदिर में और घूर्ति रथ होगी, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप मेला घूमना चाहते हैं तो ये बेहतर समय है। आइए हम आपको मेला लेकर चलते हैं, दिखाते हैं क्या खास है इस मेले में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके देखने लायक हैं। तो आइए चलते हैं मेला घूमने। जगन्नाथ मेले में यूँ तो कई तरह के मनोरंजन की सुविधाएं हैं, लेकिन सरकार भी ध्यान रख रही है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें यहाँ की संस्कृति और कला के बारे में जानकारी मिलती रहे। जगन जी, कैसा रहा अब तक का अनुभव? अभी 12 तारीख तक कार्यक्रम होना है जी। ये 2014 से सांस्कृतिक कार्य निदेशालय ये कार्यक्रम करा रहा है और बीते साल से ये 9 दिन का कार्यक्रम, इससे पहले कुछ कम दिन का, कभी इससे पहले 7 दिन का था, उससे पहले 4 दिन का था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक दिन ही कराया था, अभी ऐसा है कि ये 9 दिन का चल रहा है कार्यक्रम। और इसमें सिर्फ हम लोग रांची ज़िले को ही नहीं, पूरा झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, जितने भाषाएँ, सबको हम लोग प्रयास कर रहे हैं आए। और अंतर्राज्यीय भी है, जैसे कि अभी हम लोगों ने आसाम से बिहू डांस मंगाया था, आज मणिपुरी है। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कलाकार हैं उनको मंच मिले। और इस साल ज़्यादातर देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत से नए कलाकारों को हम लोग चांस दिया है, एक मंच दिया है। और जो मेला है, मेला परिसर में जितने भी श्रोता रहे हैं इसका मजा ले रहे हैं। पहले दिन तो हम लोग भी इस उत्सव में शामिल थे, पहले दिन की भीड़ हमने देखी थी कि खड़ा होने की भी जगह नहीं थी, हमें भी मशक्कत करनी पड़ी थी आगे तक आने में, कुछ दृश्य लेना था। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स? अभी रिस्पॉन्स ठीक ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पता स्टार्टिंग जब 2 बजे से हम लोग 2 से 5 ये कार्यक्रम चलता है, जब 2 बजे हम लोग शुरुआत करते हैं उस वक्त अच्छी खासी भीड़ नहीं रहती, पर जैसे जैसे उन लोग सुनते हैं तो वो आके बैठना शुरू करते हैं, और करते करते मोटा मोटे 3 से 3:30 में अच्छा खासा भीड़ हो जाता है। यहाँ पर लोग बैठ रहे, पूरा प्रोग्राम का मज़ा ले रहे हैं। जो भी बाहर से कलाकार आ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं मणिपुर से बुलाया है और यहाँ के कलाकार, तो उनका अनुभव कैसा है? क्योंकि बहुत कम अवसर मिलता है उन्हें इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का और अपनी कला दिखाने का। जी जी, कल जैसे हमारे जो आए हुए थे आसाम से, उन कलाकारों को माइक दिया गया तो कल उन्होंने बहुत तारीफ़ किया। उन्होंने बोला कि झारखंड में बहुत अच्छा लगा, यहाँ के श्रोता बहुत अच्छे लगे, चूँकि हमारा कल्चर आसाम के कल्चर से बहुत कुछ मिलता जुलता, तो म्यूजिक उनको समझ में आता है। तो यहाँ के श्रोता भी काफ़ी कल झूम रहे थे, काफ़ी डांस कर रहे थे, और देखा गया कि कल आसाम वाले में बहुत ज़्यादा वो लोग ताली बजाते थे, इसका मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो कलाकार बहुत खुश हुए, बहुत अप्रिशिएट करके गए। अंतिम दिन क्या कार्यक्रम है, कुछ खास है? जी हाँ, अंतिम दिन हम लोग 18 भाषा के साहित्यकार और 18 भाषा के जो संगीत के जो विशेषज्ञ, जो बुजुर्ग कलाकार हैं, उन्हें हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। जगन्नाथ महोत्सव में ऐसे कई कलाकार हैं जो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। हमारे साथ 2 ग्रुप है, हालांकि इनका एक ही नाम है, प्रज्वलित बिहार। ये नाम कैसे पड़ गया? प्रज्वलित बिहार एक नाम है, और बिहार मतलब होता है घूमने फिरने का, रमणीक स्थल में जो घुमा फिरा जाता है उसको कहते हैं, उसी का आगे हम लोग प्रज्वलित, मतलब विकास से जो रिलेटेड है उसे नाम पड़ा, इसलिए ये नाम रखा। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि दर्शक सुनेंगे तो नहीं लगेगा झारखंड बिहार वाला बिहार, विहार है, बिहार नहीं है, VIHAR है। तो ये विहार है, प्रज्वलित विहार है, जो घूमने फिरने के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। तो कहाँ से ये कलाकार आए हैं? ये रांची के लोकल हैं, रातू के और हाकाजांग के, खुटी के। 2 ग्रुप हमें नज़र आ रहा है। एक ही ग्रुप है। हम लोग उरांव में भी प्रोग्राम करेंगे और नागपुरी में भी करेंगे, इसलिए उरांव का ड्रेस अलग है, नागपुरी का ड्रेस अलग है। नागपुरी वाले ग्रुप कौन है? पीला वाला। नागपुरी में कौन कौन से गाने में आप लोग कर रहे हैं परफॉर्म? ए रे जोगनिया, ए सहिया, हम तोर प्यार में डूब गए जी, ठेठ नागपुरी है, आधुनिक दोनों है जी सर। तो एक तरह से यही गाने हैं जो पब्लिक को ज़्यादा खींचती है, ठेठ
क्योंकि जो यहाँ पर जो मेला देखने आते हैं वो लोग ग्रामीण के हैं और ठेठ गाने की आवाज़ सुन जब उन तक पहुँचती है तो वो आ जाते हैं देखने के। जी सर, कब से डांस कर रही हैं आप? मैं तो क्या बोले, इस साल से ही। कितने साल हो गए? पहला साल? बस एक साल। हाँ, पहला साल है। अभी अब तक कोई परफॉर्मेंस किया है? नहीं किया। किए हैं। कैसा लगा? पहली बार है आप इतने क्राउड के साथ परफॉर्म कर रही हैं, कैसा अनुभव? पहली बार नहीं, मतलब कर चुके हैं लेकिन इसी साल से ज्वाइन किए हैं। कैसा अनुभव है मेले में इस तरह का कार्य परफॉर्म कर? बहुत अच्छा लगता है मेले में। तो हम लोग सरकार की विकास की योजनाओं के साथ में भी जुड़े हुए हैं और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी हम लोग सूचीबद्ध हैं। आप लोग कब से कर रही हैं परफॉर्मेंस? 2014 से। 2014 से जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है? जी सर। तो किस किस तरह का परफॉर्मेंस किया आपने, मतलब आप लोगों में कौन कौन सा डांस का वेरिएशन, गाने कौन कौन से? हम लोग का गाने का कुड़ुक से गाना होता है और ये हम लोग कौन सा गाना गाते हैं, बागाड़ू परता गाते हैं, फिर और है बहुत सारा गाना है। सर कितना परफॉर्मेंस हुआ है अब तक, आप लोग कितने परफॉर्मेंस दे चुके हैं यहाँ? यहाँ अभर से दो बार। आप अंतर्राष्ट्रीय भी कहाँ गई थी आप? हम सूरजकुंड हरियाणा गए थे। अच्छा। हाँ, और सूरजकुंड हरियाणा गई थी, वहाँ कई कलाकार आए होंगे अलग अलग जगह? हाँ, बहुत सारे कलाकार थे, देश विदेश से बहुत दूर दूर से भी आए थे। कब से हैं आप इस क्षेत्र में? हम 2013 से ही है। सर सूरजकुंड गए हुए थे। जी, कैसा अनुभव था वहाँ? बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हमारा लोकल एरिया जो है गुमला और सिमडेगा में ही ज़्यादातर खड़िया प्रजाति के लोग रहते हैं और बाहर उसका मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही कम रहता है और हम लोग को चांस मिला वहाँ जाने के लिए तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपना जो लोकल भाषा है और जो डांस है उसको हम लोग दिखा पाए बाहर में। ये बहुत बड़ी बात है कि स्थानीय भाषा जो वहाँ की लोकल है उसको एक पहचान मिलती है, लोग जानते हैं कि ये भाषा भी एग्जिस्ट करती है और इसमें भी इस तरह की संगीत और नृत्य है। तो यही हमने भी कोशिश की आपको दिखाने की कि जगन्नाथ मेले में इस तरह कला का भी संगम है और अपनी भाषा को पहचान दिलाने के लिए, अपनी भाषा का प्रसार बढ़ाने के लिए एक कोशिश भी हो रही है। नमस्कार, आप 45 किलो हैं, 45 किलो हैं, 45 किलो हैं। आप झूठे प्यार में ना फंसे, आपके लिए घातक होगा। नमस्कार। कैसा लग रहा है मेला, क्या नाम है? अच्छा लगा, मेरा प्रहलाद सवान से है। अच्छा। कहाँ से है, घर कहाँ? डिबडी से है। हाँ, ऐसे दिन नहीं आए थे घूमने क्या? नहीं, यहाँ तो हम बराबर आते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, अच्छा लग रहा है। बच्चों को लेके आए हैं? बच्चों को लेके आए हैं। आप क्या खरीदे हैं, कुछ खरीदे हैं? तो खरीदे नहीं, देख रहे हैं सर, यही सब, अब पसंद आएगा तो लेंगे। घर का सामान जैसे तवा हो गया, मसाला पीटने वाला हो गया, यही सब देख रहे हैं, अच्छा लगेगा यही सब ले लेंगे सोच रहे हैं। मालकिन कहाँ है आपकी? मालकिन वो तो नहीं आए सर, घर में है। तब न बताती क्या घटल है? ऐसे तो जानकारी हम लोग को भी है, आखिर घर का काम तो हम लोग भी कुछ कुछ जान जाते हैं ना, जान जाते हैं। बहुत कम लोग है जो घर के किचन में क्या घटा है जानता है। सही सर, ओकर सब्जी उब्जी पता नहीं रहता है सर, लेकिन काम का चीज़ जैसे मसाला पीसना हो गया, ताई हो गया, रोटी सही नहीं पक रहा है तो ताई का जरूरत है, कढ़ाई सब्जी लटक रहा है तो फिर कढ़ाई का जरूरत है, सब जानकारी रखते हैं थोड़ा बहुत। कुछ अभी याद है आपको जो खरीदना है? हाँ याद है, अभी तो कुटनी बोल के भेजी है, कुटनी ले जाना है। हम लोग कैसा लग रहा है मेला? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या खरीदी कुछ? पूछो ना तुमने। पूछो नहीं, क्या खाने का मन है? कुछ भी नहीं। अच्छा, तुमको कैसा लग रहा है मेला? अच्छा। हाँ। क्या खरीदने का मन कर रहा है बताओ, क्या खरीदोगे? क्या मन है तुमको खरीदने का बताओ? बैलून। बाजार पिछली बार की तुलना में कम है? हाँ, सब चीज का रेट बढ़ गया ना इसीलिए। कब जाएंगे आप? वापस जाएंगे 17 तारीख को हम लोग। हाँ, अंतिम समय में सुनते हैं डिस्काउंट मिलता है? डिस्काउंट कहाँ मिलता है, जिस समय आप लोगों को जाना रहता है उससे पहले डिस्काउंट हम लोग को नहीं मिलता है। तो जो लोग भ्रम में हैं कि अंतिम समय में सस्ता मिलेगा, उन लोग कुछ कह दीजिए। उन लोग क्या बोलेंगे, कुछ तो कहिए कि अंतिम समय में कोई सस्ता नहीं मिलेगा, भ्रम में मत रहिए, अगर ऐसा है तो कह दीजिए। 10-20 काम कर देंगे उसमें, और क्या करेंगे बोलिए। मतलब जो लोग सामान कुछ लेना चाहते हैं अंतिम दिन इंतजार करें, 10-20 200 बोलते हैं वहाँ 200-180 में देंगे, 20 रुपये छूट। सामान आपको बांध के ले जाना कठिन हो जाता है? रस्सी से बांध के पेपर में लपेट के दे देते हैं सब।
चलता था, और समय पहले सही चलता था बाजार, अभी तो बाजार पूरा ठप हो गया। पहले तो अच्छी सेल हो रहा था, अब तो पूरा दम इस साल तो अबर कुछ चला ही नहीं उतना। हम लोग थोड़ा रेट बताइए तलवार का, जो दो दर्शक देख रहे हैं उन लोग कीमत जानना चाहते हैं कि भाई क्या क्या कीमत है और क्या रेंज है और तलवार में क्या देखना चाहिए लेते समय। तलवार देखिए जो बहुत कोई यूज करने के लिए बहुत कुछ शौकीन भी रहते हैं, जैसे घर में रखने के लिए ये सब तलवार सही है। अच्छा, राजा महाराजा। हाँ, और ये सब है अपना जैसे कि कोई भी कोई बकरा काटने के लिए या फिर अपना कुछ भी ये सब मतलब इसके लिए हाँ अपना सही है ये सब। अच्छा, कितने का है वो सौ पीस वाला मिनिमम और मैक्सिमम कितने का है? मिनिमम 800 का है वो। अच्छा, मैक्सिमम? मैक्सिमम वही 750-700 जो भी मिलता है। 800 का मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम हो गया, हाई में मतलब ऐसे 1000 बोलते हैं सब, 500-400 रेट लगाता है उसमें, तो हम लोग का मूर भी नहीं निकलता है, मतलब बहुत बार्गेनिंग भी ज़्यादा हो गया। बहुत। अच्छा, ये सब चाकू का कितना रेट है? काला वाला कितना है? काला वाले का 300 है। छोटा सब वो है 150 की। जगन्नाथ मेले में आपको ज़रूरत का वो हर सामान मिलेगा जो आप इस्तेमाल करते होंगे, मसलन किचन के सामान से लेके आपके ड्राइंग रूम में सजावट के सामान तक, आपके श्रृंगार के सामान तक भी, चूड़ियाँ लहठी कई ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा कपड़े बैग कई ऐसे सामान मिलेंगे जो आपको मेले में ज़्यादातर मिलते हैं। इसके अलावा जगन्नाथ मेला जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो है किचन के सामान और लोहे के सामान के लिए, तलवार और इस तरह के किचन के जैसे आप देख रहे होंगे कड़ाही तवा झंझरा ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ इस मेले में मिल जाएंगी। और मेले का इंतज़ार ज़्यादातर ग्रामीण इसलिए भी करते हैं क्योंकि मेले में वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, कई ऑप्शन हैं उनके पास इस तरह की दुकानों के, दुकानदारों के साथ कंपटीशन भी होता है, इसलिए वो सस्ते में सामान कम मुनाफे में देने से चूकते नहीं हैं। और जिस वक्त मेला ख़त्म होता है यानी कि 17 तारीख तक ये लोग जाते हैं, 17 तारीख जिस वक्त जाने का वक्त होता है उस वक्त भी कम मुनाफे में भी ये लोग सामान बेच देते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन जगह है, अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं जो आपके घर के ज़रूरत का है तो आप इस मेले का रुख कर सकते हैं, आइएगा ज़रूर। ये अवसर साल में एक बार आता है, ज़रूर अपने परिवार को लेकर एक बार इस मेले का रुख करना चाहिए आपको। जगन्नाथ मेले में आपको इस तरह के शंख और पूजा के सामान से लेकर खिलौने, किचन के सामान और कई तरह के बच्चों के खिलौने भी जैसे कि आप देख रहे हैं गुड्डे गुड़िया फुटबॉल ये भी मिल रहे हैं, और कई जगहों पर एक दाम का बोर्ड भी लगा है ताकि मोल मुलाई ना हो। और हर एक माल जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 रुपये में आपको ज़्यादातर सामान यहाँ पर मिल जाएगा, तो एक दाम है, आपको बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी और यहाँ उपस्थित सारी चीज़ें आप 40 रुपये में खरीद पाएंगे। महिलाओं के लिए इस मेले में बहुत चीज़ें खास हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि शानदार चूड़ियाँ और लहठी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर कि किस तरह नेकलेस नए नए डिज़ाइन में और रेंज में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो जो महिलाएं इस वक्त देख रही होंगी ये वो ज़रूर कीमत जानना चाहेंगी, तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी कीमत पता कर सकें आपके लिए। भाई साहब, नेकलेस किस प्राइस से किस प्राइस तक का है, मिनिमम कितने का है? 100 रुपये तक का है। मैक्सिमम वही 100 रुपये तक है। 100 रुपये में सारी चीज़ें हैं? हाँ, 100 रुपये से शुरू है और 200 रुपये तक है, और झुमके झुमके भी 100 रुपये के हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितने शानदार झुमके और डिज़ाइन इस वक्त आपको यहाँ पे 100 रुपये में मिल जाते हैं। मेले में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान खींचेंगी, उनमें से एक हैं, बेगूसराय से आए हैं, क्या नाम है आपका? बिपिन पोद्दार। बिपिन जी, क्या सिखा रहे हैं, क्या बेच रहे हैं आप? ये हाथ का कला है, इसमें हम सिखा के और लोगों को ये पेपर और सुई बेचते हैं। कितने की है ये सुई? 20 रुपये की है और पेपर भी 20 रुपये की है। तो उसमें किस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं आप? जो कुछ भी बनाना चाहेंगे सभी बनेगा, मतलब सेट में कोई डिज़ाइन बनाना चाहें तो भी जैसे वेलवेट बना, बेडशीट हुआ, पर्दा हुआ, टेबल क्लॉथ हुआ, शर्ट हुआ, जिसमें आप बनाएंगे सभी में बनेगा। एक वक्त था जब शादी के लिए ये बहुत मैंडेटरी था कि लड़के को कढ़ाई बुनाई आता है कि नहीं, आज वो दौर खत्म हो रहा है लेकिन लड़कियां अभी भी सीखना चाहती हैं। जी जी, अभी भी सीखती है। अच्छा। लेकिन उसमें 50% घट गया है। जी, कैसा रिस्पॉन्स है मेले? अभी भी ठीक है, मोटा मोटी ठीक है जी। जी, 20 रुपये में बेच रहे हैं तो ये भी दे रहे हैं साथ में लकड़ी? हम सिर्फ ये सुई देते हैं नीडिल। अच्छा। और पेपर देते हैं छापने वाली, बाद बाकी वो सब अपना किनता है।
जी जी, जरा करके दिखाइए कैसे कर रहे हैं। आइए जूम ले लीजिए। इसका सिस्टम है कि आप इसको दबाएंगे पूरा और उठा लेंगे थोड़ा, और यही दो बातों को याद रखते हुए पास पास में सटा के इस तरह से पूरे घर को भर देंगे। और जब इस तरह से पूरा घर भर जाएगा, मान के चलिए कि आपने इसी तरह से पूरे घर को भर दिया, तो फिर सुई को टानेंगे नहीं, इधर से ऐसे को निकाल लेंगे, जर से काट के इधर में छोड़ देंगे। अब उधर चलिए, जब पूरे दबाएं थोड़ा उठाएं, ये हाफ धागा आया, अब ये ऊपर का जोड़ कट जाता है, यही वेलवेट होता है, बस यही सिस्टम है आपका। अच्छा जी, ऐसा ही बनता है जी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से यहाँ सांस्कृतिक कला मंच एक कार्यक्रम कर रहा है। ये कब से हो रहा है कार्यक्रम, इस बारे में? 4 तारीख से हो रहा है सर। कब तक होगा ये? 12 तारीख तक चलेगा सर। और शो कितने बजे शुरू होता है कार्यक्रम, और कितने बजे तक चलता है शो? हम लोग 10:30 से चालू कर देते हैं सर, बीच में एक बार रेस्ट होता है 2:30 बजे के लगभग, और उसके बाद फिर हम लोग 5 बजे तक कार्यक्रम चलाते हैं। कितने एक दिन में कितने कलाकार जो है, या कितना ग्रुप? कभी कभी 2 मंडली भी आ जाते हैं, और कभी कभी 2 से 4 भी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक 4 से ज़्यादा नहीं हो पाए। ऐसा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स तो सर पब्लिक का बहुत ही अच्छा है, और अभी तक जो भी हम लोग सरकार से योजना से संबंधित मामला है, सभी को अच्छा ढंग से समझाएं, इस तरह का कार्य करते आ रहे हैं सर। देखिए किस तरह से वज्रपात से बचने की भी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। गाँव से जब लोग आएंगे तो इस तरह की जानकारियाँ उनके लिए हैं, ताकि वो इस जानकारियों का लाभ उठा सकें। इसके अलावा आप अंदर देखेंगे तो कई तरह की जानकारियां, जिसमें मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की जानकारी है, और आदिवासियों के सम्मान के संबंध में जानकारी है, पहले पढ़ाई फिर विदाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाओं का जिक्र है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र है, और एम्बुलेंस के लिए निःशुल्क सुविधा 108 का भी जिक्र है। ऐसी कई योजनाओं का जिक्र आप यहाँ पर देखेंगे, और कई लोग यहाँ बैठकर इस वक्त कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है कार्यक्रम? ठीक लग रहा है। क्या क्या खरीदी मेले में? मेले में क्या क्या खरीदी है? कुछ नहीं, नहीं खरीदी अभी आए हैं। सबसे पहले यही नजर पड़ी आप लोग? नागपुरी सुनते हैं? सादरी नागपुरी सब कुछ। हम लोग आदिवासी हैं, इसीलिए आए हैं, गाना सुन के आए हैं। ठेठ बज रहा है ना इस वक्त? नहीं, आदिवासी मुंडा रे वाला। इस तरह सरकार कोशिश करती है कि मनोरंजन के लिए, कैसा उपाय है सरकार का? बहुत अच्छा उपाय कर रहा है अभी। इस वक्त आप जो मंदिर देख रहे हैं वो मौसीबाड़ी की है, भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र यही हैं, और सुबह शाम पूजा पाठ हो रही है, सुबह की आरती और शाम की आरती होती है। इसके अलावा 12 तारीख को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र वापस लौटेंगे अपने मुख्य मंदिर में, और तब तक ये मेला इसी रंग और इसी उत्साह के साथ चलेगा। प्रभातखबर.com भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि अगर आपने अब तक इस मेले का रुख नहीं किया है तो ज़रूर आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, और ऐसे वक्त जिस वक्त घुरती रथ से पहले आएंगे तो भीड़ कम मिलेगी, आसानी से आप अपने परिवार के साथ घूम सकेंगे। धन्यवाद कि आपने ये पूरा वीडियो देखा, जगन्नाथ मेला हमारी नज़रों से समझा। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक कीजिए। भगवान जगन्नाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें। नमस्कार।